जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। आगे बढ़ते हैं हम, एक बड़ी खबर रायपुर से। रायपुर में करोड़ों की ज्वेलरी बरामद हुई है। पुलिस ने 8 करोड़ का सोना पकड़ा है। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में 8 करोड़ का सोना जब्त किया गया है। सोना जब्त कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बड़ी खबर रायपुर से, और देखिए सोना तस्वीरें बयां कर रही हैं। 8 करोड़ का सोना बस्तर के रास्ते रायपुर लाया जा रहा था, और इतना सोना कि टेबल पूरा भरा हुआ है, और हर तरह का ये सोना का जो गहना है वो गहने भी इसमें आपको नजर आ रहे होंगे, और छोटे से बड़े साइज के गहने, और ये करोड़ों की ज्वेलरी है। करोड़ों की, 8 करोड़ अपने आप में बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी संख्या है इन गहनों की, इन ज्वेलरी की। और ये तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही है कि ये जो जब्त किया गया है सोना, वो किसी छोटे मोटे गिरोह का काम नहीं होगा। बस्तर के रास्ते ये रायपुर लाया जा रहा था। कहां से लाया जा रहा था, कौन ला रहा था, और किस मकसद से, शहर के टिकारपारा इलाके से जेवरातों को बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि इसकी जानकारी पुलिस ने आयकर विभाग को दे दी है। पुलिस के मुताबिक ज्वेलरी का वजन 12 किलो 800 ग्राम है, और इसकी बाजार में कीमत 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बस स्टैंड में चेकिंग चल रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने सोना पकड़ा, और इतनी ज्यादा संख्या में जेवरात के पैकेट्स देख तुरंत इसे थाने लाया गया। इनकम टैक्स को जानकारी दी गई। रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव के चलते आचार संहिता लागू है, लिहाजा प्रशासन भी इस पूरी कार्रवाई को मॉनिटर कर रहा है। और एक बड़ी खबर क्रिकेट जगत से, टेस्ट में विराट